शाम 6 बजे तक ई रिक्शा चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, इससे जाम को निजात मिलेगी। सर अभी तक डग्गा मारो वाहनों को नहीं हटा पाए, रिक्शा हटा के क्या जाम खत्म हो जाएगा? सर मोबाइल भी क्या है, 22 करोड़ की आबादी है। हाँ धीरे-धीरे समस्या का समाधान करना है तो धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा और सभी को राहत मिले, आवागमन यात्रा सुलभ हो और जाम न लगे, इसलिए ये आग्रह किया गया है। कोई फरमान नहीं है लेकिन आग्रह किया गया है कि थोड़ा अनुशासन में और कंट्रोल में सभी लोगों को रहना चाहिए। सर ये ठंड की समस्या ये है कि ई रिक्शा का ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है, ना उनके पास पेपर होते हैं और तमाम अवैध लोग अब ई रिक्शा बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्या है? रोजगार के लिए ई रिक्शा का ऐसा जो सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट द्वारा इनको रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा एक नियम है, प्रावधान है, लेकिन कागज़ जिनके पास नहीं है उनको कागज़ कंप्लीट करवा के रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी जो बेच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ई रिक्शा के बारे में अभी आपके माध्यम से मतलब कुल मिलाकर सायंकालीन ये कहा गया है कि ये गलियों में, मतलब जो ई रिक्शा है गलियों में संचालन करें, जो मेन रोड का परमिट जिसको है मेन रोड पर करें, गलियों का परमिट है जिसको गलियों का परमिट है, जिसको जहाँ परमिट जो अलाटमेंट है जहाँ इलाका है वहाँ करेंगे तो जाम कम होगा। उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं की गई, और भी चीज़ें हैं जिसकी व्यवस्था नहीं की गई। देखिए योगी सरकार के नेतृत्व में और अपना नगर निगम अलाव की व्यवस्था कर रहा है जगह जगह प्रस्थान पर, बाकी सब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, अच्छा दोबारा बना रुकना बैठे हमारा प्रोग्राम तो